स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जैसा कि हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, स्टेम के बारे में कंप्लीट हमने स्टडी की थी, डिटेल में आराम आराम से हमने सब कुछ समझा था। अब हम उसके फंक्शंस के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि वो क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नंबर वन अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्टेम के नंबर वन फंक्शन में है गिव सपोर्ट टू प्लांट, यानी प्लांट को क्या देता है, सपोर्ट देता है। जैसा कि मैंने आपको जब टाइप पढ़ाया था स्टेम के, तब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि पूरे जो प्लांट के अदर पार्ट जो है, शूट पार्ट में स्टेम के अलावा जो अदर पार्ट है वो किसके बेस पर खड़े रहते हैं, स्टेम के बेस पर खड़े रहेंगे, क्योंकि स्टेम होगा तभी ब्रांचेस होगी, लीव्स होंगे। ठीक है, बाकी सारे प्लांट के जो शूट के जो पार्ट है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड फंक्शन इसका क्या है, कैरी वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स। यानी क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, इसके नीचे रूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, रूट्स क्या कर रही थी, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही थी, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। यहाँ से सपोज ये वाटर और मिनरल्स है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने क्या किया, रूट्स ने इसको एब्जॉर्ब किया और आगे किसको सप्लाई कर दिया, स्टेम को सप्लाई कर दिया। अब स्टेम क्या करेगा, आगे जो और फर्दर जो पार्ट्स हैं उनको इस चीज को सप्लाई कर देगा, यानी वाटर और मिनरल्स को आगे सप्लाई कर देगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, क्योंकि हमें पता है स्टेम के बाद में यहाँ पर ब्रांचेज होंगी, लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे, सारे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। तो उन सारे पार्ट्स को क्या करेंगे, स्टेम क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स सप्लाई करने का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था स्टेम के ऊपर ब्रांचेस लगी हुई होती है और ब्रांचेस के ऊपर हमारी लीव्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और लीव्स क्या करती है, प्लांट्स के अंदर लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री कहलाती है। यानी ये क्या काम करती है, फूड बनाने का काम करती है प्लांट्स में। ये जो प्रोसेस है जिससे फूड बनाती है, क्या प्रोसीजर रहेगा वो हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि ये जो है स्टेम जो है वो क्या करेगा, फूड को जो है, सॉरी, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट, यानी फूड को जो है लीव्स से लेकर सभी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। क्योंकि क्या है, ये ब्रांचेस हैं, किससे अटैच है, स्टेम से अटैच है, लीव्स हैं, किससे अटैच हो रही है, ब्रांचेस से, और फाइनली जाके किससे अटैच हो रही है, स्टेम से। ठीक है, कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लीव्स ने जैसे ही अपना फूड बनाया, ये क्या करेगी, ब्रांचेस को सप्लाई कर देंगे, और ब्रांचेस पे किसको सप्लाई कर देगा, स्टेम को सप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लास्ट की अगर हम बात करें, जैसा कि हम हर पार्ट में पढ़ते हुए आ रहे हैं, सम स्टेम्स स्टोर फूड, यानी कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो शुगर कैन हो गया और पोटेटो हो गया। आगे यहाँ तक की बात समझ में, तो यहाँ तक के टॉपिक में हमने स्टेम को कंप्लीट कर लिया, रूट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, शूट पार्ट में हम स्टेम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पे हमारे बढ़ते हैं आगे, जो कि है लीफ पार्ट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, आप लोगों को इजी कोई समझ में भी आएगा, हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ प्लांट का वो पार्ट होता है जो किसके ऊपर ग्रो करता है, स्टेम के ऊपर ग्रो करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज ऑन स्टेम, यानी स्टेम के ऊपर ग्रो करेंगी। सबको पता है, सबने लीव्स देखी है, पहले स्टेम होता है, फिर ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस के ऊपर लीव्स लगी हुई होती है। ठीक है, सबको समझ में आती है सारी चीजें। उसके बाद में हम मेनली किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये मैंने एक सुंदर सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि लीव्स जो है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लीव्स जो है वहाँ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ये स्टेम के ऊपर लगी हुई होती है। ठीक है, स्टेम के ऊपर लगी हुई होती है, तो जिस पार्ट से ये स्टेम से कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं लीव स्टॉक, या फिर पिटियोल भी बोल सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, जो भी नाम आपको याद रहे आप उसको याद रख सकते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो लीव का जो सबसे बड़ा ब्रॉड पार्ट आपको जो दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं लीव ब्लेड। ठीक है, जो बिल्कुल चौड़ा और ब्रॉड पार्ट है उसको बोलेंगे हम लीव ब्लेड। उसके बाद में ये जो इसका टिप पार्ट है जो कि थोड़ा आपको शार्प दिखाई दे रहा है, नुकीले जैसे दिखाई दे रहा है, तो वो एंडिंग पार्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे लीफ एपेक्स, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये क्या होता है, टिप पार्ट होता है। ठीक है, लीफ ब्लेड में मैंने लिखा हुआ है ब्रॉड पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये आपको बीच में देखो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो यहाँ से स्टार्ट होकर एंड तक जा रही है बिल्कुल। ठीक है, इस वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, मेन वेन बोल सकते हो आप, या फिर इसको मिड वेन भी बोल सकते हो, क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट है इसलिए इसका
मिड वेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मिड वेन और मेन वेन का अगर फंक्शन की हम बात करें या इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डीपली देखें तो क्या होता है, थिन ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करती है, वाटर को सप्लाई करती है लीफ के अदर पार्ट तक, क्योंकि ये स्टेम है, स्टेम के पास जो भी रूट्स है वहां से वाटर मिनरल सप्लाई हुए, फिर ये यहाँ से इससे कनेक्टेड है, तो लीव्स के पास में वाटर और मिनरल सप्लाई हुए सबसे पहले मिड वेन के पास गए, फिर मिड वेन से देख रहे हो आप ब्रांचेस दिखाई दे रही है आपको, स्मॉल ब्रांचेस दिखाई दे रही है, ये इन स्मॉल ब्रांचेस से फिर ये मेन वेन जो है वो स्मॉल ब्रांचेस को सप्लाई कर देगी वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। आगे देखो, आगे की हम बात करते हैं, साइड में जो निकली होती है वो क्या होती है, साइड वेन्स होती है, ठीक है। बीच वाली जो वेन थी उसको हमने मेन वेन या मिड वेन बोल दिया, साइड में जो निकली हुई है उसको साइड वेन बोल दिया, ठीक है। ये भी क्या होती है, स्मॉल ट्यूब्स होती है दैट कम आउट फ्रॉम मिड वेन, जो कि किससे बाहर ग्रो करती है, मतलब किससे बाहर निकलेंगी, मेन वेन जो है उसी में पार्टीशन हो जाएंगे और साइड वेन्स बनना चालू हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर मैं इसका बैक वाला पोर्शन तो दिखा नहीं सकती थी आपको लीफ का, इसीलिए मैंने आपको क्या कर दिया, इसको यहीं पर स्ट्रोमेटा भी शो किए। वैसे स्ट्रोमेटा जो है वो लीफ की लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, यानी पीछे वाली बैक सरफेस जो होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रोमेटा जो है वो क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो कि किसमें काम आते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में काम आते हैं, यानी एयर के एक्सचेंज में काम आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंजेस में काम आएंगे, जो कि हम फोटोसिंथेसिस में डिटेल से देखेंगे। तो ये पार्ट जो था वो हमने किसके बारे में पढ़ लिया, लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। एक बार मैं आपको लीफ के थ्रू भी दिखा देती हूँ कि लीफ के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये लीफ है हमारे पास, तो इस लीफ में आप लीफ में जब देखोगे तो लीफ में क्या होता है कि जैसे प्लांट से लगी हुई होती है, ठीक है। प्लांट से लगी हुई होने के बाद में इसका एक जो हिस्सा है, ठीक है, वो एक पार्ट तो होता है सनलाइट की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, और एक पार्ट जो होता है वो सनलाइट के इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। इनडायरेक्ट का मतलब लोअर सरफेस, तो टू सरफेसेस होती है, ठीक है। लीफ के अंदर एक तो अपर सरफेस होती है और एक लोअर सरफेस होती है। अब आप देखना कि आप जब कभी घर से बाहर जाते हो, ठीक है, अगर आपने सपोज ग्लव्स पहने हुए, ठीक है, एल्बो लेंथ अगर पहने हुए और उसके ऊपर आपको लगता है कि आपकी जो स्किन है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रही है सनलाइट के, तो आप देखोगे उसका टोन जो है वो डार्क हो जाता है। लीफ के साथ ही सेम कंडीशन होती है कि जो पार्ट लीफ का डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रहेगा वो डार्क रहेगा, ठीक है, और स्मूथ रहेगा। लेकिन जो पार्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा वो लाइट रहेगा कलर में, और कैसा रहेगा, रफ सरफेस रहेगी। यानी हम बात करेंगे लीफ है, ठीक है, इसका ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है। दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, बट आप घर पे अगर कोई भी एक लीफ का लेकर और उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इजी गोइंग सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी अपर सरफेस हो गई लीफ की और ये लोअर सरफेस हो गई। अपर सरफेस जो है वो कैसी होती है, डार्क होगी कलर में और स्मूथ होगी, जबकि लोअर सरफेस कैसी होगी, लाइट कलर की होगी और रफ सरफेस होगी। तो समझ में आ गया सबको, ये देखो यहाँ से लीफ का जो ये वाला पिटियोल वाला जो एरिया है वहां से ये स्टेम से कनेक्टेड रहती है, उसके बाद में यहाँ पर मिड वेन होती है, उसके बाद साइड वेन्स होती है, और स्ट्रोमेटा जो है यहाँ पर मैं आपको शो नहीं कर पाई क्योंकि पीछे का हिस्सा तो हम देख नहीं सकते ना, यहाँ पे केवल फ्रंट का पार्ट हमें दिखाई देगा, तो बैक पार्ट जो है हम यहाँ पे इजी गोइंग देख सकते हैं। यानी ये लीफ का जो स्मूथ पार्ट है, जब आप उसको टच करोगे तो आपको स्मूथ फील होगा, वो पार्ट जो है वो अपर पार्ट होगा, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे वाला यानी उसके लोअर सरफेस वाला पार्ट लोअर सरफेस वाला होगा, और वहां पर जो लोअर सरफेस होती है वहां पर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। यानी सबको समझ में आ गया होगा लीफ की स्ट्रक्चर, डिटेल से मैंने आपको समझाई है। घर पे आप कोई भी प्लांट की लीफ लेकर उसको इजी गोइंग देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें, फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। लीफ के फंक्शंस में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, लेकिन ये काम क्या करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने वही चीज तो कंसीडर की है कि वो क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं, यानी प्लांट्स को सांस लेने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एयर को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड अगर फंक्शन की हम बात करते हैं, सम स्टोर फूड, यानी कुछ लीव्स क्या करती हैं, फूड को स्टोर करने का काम करती है, जैसा स्टेम में भी आपने पढ़ा था, रूट्स में भी आपने पढ़ा था, और इन्हीं को हम क्या करते हैं, हमारे एज अ फूड काम में लेते हैं, जैसे कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, ठीक है। ये सब क्या, कौन सी लीव्स है जो कि फूड को क्या करने का काम करेगी, स्टोर करने का काम करेगी, तभी तो हम इनको लीफी वेजिटेबल बोलते हैं। और बोला जाता है ना हमेशा कि लीफी वेजिटेबल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए हमारी हेल्थ के लिए
अच्छी होती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बढ़ते हैं, सॉरी फंक्शन पे, तो इसका मेन फंक्शन जो है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। यानी आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि लीव्स जो है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री है, या फिर आप बोल सकते हो किचन भी है। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे घर में खाना कहाँ बनाते हैं, किचन के अंदर बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर खाना कहाँ पर बनता है, कौन सा पार्ट खाना बनाने का काम करेगा, लीव्स जो है उनका खाना बनाने का काम करेगी। फोटोसिंथेसिस की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक में सब कुछ काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी किस किस चीज का यूज करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे और वाटर का यूज करेंगे। किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे फूड, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो आप घर में, कि आपको सपोज मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान रिक्वायर्ड है, कुछ तो सामान की रिक्वायरमेंट होगी आपको। उसी तरीके से प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनको भी कुछ थिंग्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जिसके बेस पर वो क्या कर सकती है, अपना फूड बना सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस कि क्या प्रोसेस है और कैसा रहता है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना था फोटोसिंथेसिस। इसको थोड़ा डिटेल से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपकी हायर क्लासेस में भी आपके काम आएगा और अभी भी आपको काफी अच्छे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बता चुकी थी, मैं आपको पहले बता चुकी थी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस को अगर हम इस वर्ड को पूरा ब्रेक करें तो हम देखेंगे कि ये जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टूगेदर, या आप बोल सकते हो सिंथेसिस का मतलब बनाना, ठीक है। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड जो बनेगा वो किसकी प्रेजेंस में बनेगा, लाइट की प्रेजेंस में बनेगा। तो आपको इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा इस टर्म को लर्न रखना, कि आपको फोटोसिंथेसिस जो है अगर आप कभी सुनोगे तो हैंड टू हैंड आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि फोटो प्लस सिंथेसिस यानी फूड बनेगा किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, लीव्स के अंदर होती है। क्यों होती है केवल लीव्स के अंदर, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स, क्योंकि क्लोरोफिल वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब हम आपके दिमाग में आ रहा होगा क्लोरोफिल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लोरोफिल क्या है, क्योंकि माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। जहां भी डाउट आपको लगता है वहां हैंड टू हैंड आप वीडियो को पोज करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड पर क्या क्या चीज कहाँ लिखी हुई है और हमें किस तरीके से उसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। यानी सनलाइट की जो जरूरत पड़ती है वो सनलाइट किसके पास में मिलेगी, क्लोरोफिल के पास में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो रिक्वायर्ड थिंग्स है वो क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी जरूरत पड़ती है प्लांट्स को, या हम बोल सकते हैं लीव्स को, क्योंकि मेनली कौन काम कर रहा है फूड बनाने का, लीव्स काम कर रही है। भूलना नहीं, लीव्स फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की, ठीक है, या आप बोल सकते हो किचन होता है प्लांट्स का, जहां पर भी उनका खाना बनता है। उसके बाद रिक्वायर्ड थिंग्स की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है, वाटर जरूरी होता है और सनलाइट जरूरी होती है। क्लोरोफिल का रोल तो आप पढ़ ही चुके हो, क्लोरोफिल जब तक नहीं होगा तब तक सनलाइट का कोई यूज ही नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है सनलाइट को। आगे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहो तो अपने पास रखना अपने दिमाग में, और अगर आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं, ठीक है, सी का मतलब होता है कार्बन और ओ को हम शो करते हैं किससे, ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर आप चाहो तो आपकी चॉइस है, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों चीजें जरूरी होगी, और ये दोनों चीजें कब यूजफुल होंगी, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्योंकि सनलाइट जो है वो किसके थ्रू ट्रैप की जाएगी, क्लोरोफिल के थ्रू ट्रैप की जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पता चल गया आपको। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये सब चीजें मिलती कहां से। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वहां से हमें एयर में से क्या मिल जाएगी,
कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी जो कि लीव्स के अंदर किसके थ्रू एंटर करेगी, लीव्स के अंदर एंटर करेगी स्टोमेटा के थ्रू। मैंने बताया था जब आपको लीव्स की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी कि लीव्स के लोअर सरफेस पे टाइनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं, और वो किस काम आ रहे थे गैसेस के एक्सचेंज के लिए काम आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर कर गई किसके थ्रू एंटर की स्टोमेटा के थ्रू एंटर की। उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं वॉटर या तो ये सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा जो सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, या फिर रेन के टाइम पे भी वाटर वहां से भी मिल जाता है। ठीक है, बारिश से भी वाटर मिल जाएगा इनको, और किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा। यानी सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के थ्रू, जो कि आपको पहले ही रूट वाले टॉपिक में अच्छे से डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद सनलाइट की बात करें तो सबको समझ में आ रहा है, इसमें कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है कि सनलाइट जो है वो किससे मिलेगी। ऑफकोर्स सन से ही मिलेगी क्योंकि हमारे पास में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है सन है, जहां से हमको लाइट मिलती है। यानी सनलाइट हमको कहां से मिल गई सन से मिल गई। उसके बाद में हम एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसकी जो क्या जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी। ठीक है, किस तरीके से मतलब आप इसको इजी गोइंग याद रख सकते हो। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया था यहीं से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस जो है फोटो प्लस सिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, उन दोनों के मीनिंग भी आपको बताए हुए हैं यहाँ पर। हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन का मतलब प्रोसीजर मान लो आपको एक तरीके से कि क्या प्रोसीजर होता है किस किस तरीके से कम्प्लीट होगी। तो हम देखते हैं कि वॉटर ठीक है किसके साथ में रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, यानी वॉटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों साथ में काम करेंगे, कहने का मतलब ये किसकी प्रेजेंस में करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। और सनलाइट किसके थ्रू यूज की जाएगी किसके थ्रू ट्रैप की जाएगी क्लोरोफिल के थ्रू ट्रैप की जाएगी, और फाइनली ये अपना फूड बनाएंगे। हालांकि ये नॉलेज शायद मे भी एक्स्ट्रा है आपकी बुक्स में नहीं है बट आपके काम की है इसलिए आपको याद रखना जरूरी है कि प्लांट जो है वो अपने फूड में फूड बनाते टाइम यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद मेन जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, यानी ग्लूकोज जो है वो तो क्या करेगा प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और ये फूड प्लांट्स को फूड देने का काम करता है यानी फूड के थ्रू उनको क्या मिलेगा नरिशमेंट मिलेगा न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा है जैसे प्लांट्स को जितनी जरूरत है आपके साथ में होता है ना ऐसा कि आपके घर में कभी एक्स्ट्रा खाना बन जाता है तो ऐसा थोड़ी ना हम उनको इसको हैंड टू हैंड की बाहर डाल देते कि नहीं हमारे काम नहीं आ रहा, थोड़े टाइम तो एटलीस्ट उसको स्टोर करके रखते हैं कि अगर हमको बाद में भूख लगे तो हम उसको यूज कर सकें। सेम प्लांट्स के साथ होता है, ग्लूकोज तो उन्होंने बना लिया लेकिन ग्लूकोज बनाने के बाद जितना उनकी ग्रोथ में ग्रो करने में जो रिक्वायर्ड था वो उन्होंने यूज कर लिया, और जो एक्स्ट्रा बचा है ग्लूकोज उसको वो क्या करते हैं स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ताकि उनको जैसे फ्यूचर में अगर जरूरत है ठीक है न्यूट्रिशन की या किसी भी तरीके की उनको कोई रिएक्शन करनी है तो उसके लिए ये स्टार्च जो है वो काम आता है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो गैस होती है। ठीक है, आपको सबको पता है हम क्या करते हैं ब्रीदिंग की प्रोसेस में हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग जब करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन का काम क्या ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से बाहर निकलेगी बन तो चुकी है लेकिन इसको बाहर भी तो जाना जरूरी है एनवायरमेंट के अंदर जो हमारा एटमोस्फेयर उसके अंदर जाना जरूरी है। तो ये किसके थ्रू बाहर जाती है स्टोमेटा के थ्रू। आपको याद है हमने जब पढ़ा ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला टॉपिक देखा था तभी बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर कर रही है किसके थ्रू एंटर कर रही है स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर रही है, और ऑक्सीजन जो है वो भी किसके थ्रू बाहर जा रही है स्टोमेटा के थ्रू जा रही है। यानी स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या हो गया गैसेस को एक्सचेंज करने का। समझ में आ गया सबको टॉपिक, यहाँ तक का हमारा टॉपिक जो है वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है आपका एक ही होमवर्क होता है जैसा कि मैं डेली बोलती हूँ आपको मेमोराइज करना है वीडियो को अगेन एंड अगेन देखना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके, और उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आया तो आप कॉल कर सकते हैं पूछ सकते हैं जैसे भी आपकी इच्छा है, और हम अपने अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू।